नमस्कार, मैं हूं आपके साथ काविंद्र चौहान और आप देख रहे हैं न्यूज वर्ल्ड इंडिया का खास प्रोग्राम आवाज। इस देश में जय जवान जय किसान का नारा दिया जाता है और आज आपको बता दूं कि जवान और किसान एक साथ सड़कों पर हैं और ये दृश्य मैंने खुद देखे, लेकिन आज बात उस पर भी करूंगा। लेकिन उससे पहले, जैसा कि मैंने टाइटल दिया है कि सबसे बड़े घोटाले को एक्सपोज करूंगा, यहां आपको बता दूं, पहले ही बता दूं क्योंकि आपके मन में कोई बात ना रह जाए कि घोटाले का यहां पर मतलब पैसों से संबंधित नहीं है और जरूरी भी नहीं है कि कोई भी घोटाला पैसों को लेकर ही हो। अगर एक सामान्य व्यक्ति के जीवन में किसी तरीके के कोई नेगेटिव इंपैक्ट आ रहा है किसी सरकारी व्यवस्था के चलते, तो उसको भी एक घोटाला ही कहा जाएगा। तो आज बात होगी SSC की, SSC GD 2018 की। जो छात्र हैं वो अपने आप को हर मानक में पास पाते हैं, लेकिन इसके बावजूद वो आज सड़कों पर हैं। और ऐसा सिर्फ उनके साथ नहीं है, बीते कई वर्षों से सरकारी एजेंसियों द्वारा करवाई गई परीक्षाओं के बाद जो छात्र हैं वो पहले तो एग्ज़ाम देते हैं, उसके बाद वो परीक्षा का रिजल्ट का वेट करते हैं, उसके बाद वो ट्विटर पर ट्रेंड चलाते हैं, उसके बाद सड़कों पर आते हैं, फिर उसके बाद लाठी खाते हैं और फिर उसके बाद घर चले जाते हैं। ये दरअसल पूरी की पूरी एक टाइमलाइन है और अगर देश के गृहमंत्री के जो उनका लहजा है उसे समझाने की कोशिश करूं तो क्रोनोलॉजी यही है और इस क्रोनोलॉजी को आप समझ लीजिए। अब आते हैं SSC पर। देखिए, SSC जो कि एक सरकारी संस्था है, उसका अपना काम है कि वो पूरी जिम्मेदारी के साथ अपना काम का निर्वहन करे, क्योंकि उसकी लापरवाही के कारण आज स्टूडेंट्स को दर दर की ठोकरें खानी पड़ रही हैं। इसको समझाने के लिए एक फिल्म याद दिलाता हूं आपको, गजनी। आपने वो फिल्म जरूर देखी होगी। गजनी में एक कैरेक्टर था जो आमिर खान, मशहूर जो प्ले वो हैं एक्टर हैं, उन्होंने प्ले किया था। वो कुछ समय के बाद सब कुछ भूल जाते थे और वैसा ही कुछ आजकल हो रहा है। SSC भी पहले परीक्षाएं कराता है, फिर उसके बाद भूल जाता है कि कौन सी परीक्षा कराई, कब कराई, अब क्या करना है, रिजल्ट कब देना है, नियुक्ति कब देनी है और जो सारे क्राइटेरिया में पास भी हो गए हैं उनको कब जाकर ज्वाइनिंग लेटर पकड़ाना है, सब कुछ भूल जाता है। पैसे लेकर फॉर्म भरवा लेता है और फिर सब भूल जाता है। देखिए, SSC ने क्या किया है, इस पूरी प्रक्रिया को ही पंचवर्षीय योजना बनाकर रख दिया है। परीक्षाओं को 2018 की जो चीज है, 2021 आ गया है, अभी तक चीजों को फाइनलाइज ही नहीं कर पाई। मैं तो कहता हूं इसका नाम ही बदल देना चाहिए, इसका नाम बदल कर रख देना चाहिए, जैसे कि सुपर स्कैम कमीशन, ये नाम रख दो इसका। मतलब कभी इनका पेपर लीक हो जाता है, कभी कोई गड़बड़ी, तो कभी हर मानक में पास लोगों को नौकरी देने में गड़बड़ी। ये स्कैम है और ये क्या है, ये तो घोटाला है और क्या है। मतलब आप फॉर्म भरवाते हैं, पैसे लेते हैं और फिर बाद में उनको कुछ बताते ही नहीं। ये पैसा जाता कहां है? ये जो गिनती की वैकेंसियां होती हैं उनके लिए, जो लाखों करोड़ों जो युवा बैठ के पेपर देता है और लाखों करोड़ों युवाओं से जो फॉर्म के नाम पर जो पैसे लिए जाते हैं, ये मोटा पैसा जाता कहां है? इस पर क्यों नहीं ट्रांसपेरेंसी है? आपने अगर मान लीजिए SSC GD 2018 के जो अभ्यर्थी हैं उनसे आपने 400 रुपए फॉर्म के लिए लिए थे, आज वो सड़कों पर लाठी खा रहे हैं, तो या तो उनको सीधे सीधे बता दीजिए कि आपने जो 400 रुपए लिए थे वो उनको इसलिए दिए थे, उनसे इसलिए लिए थे कि आपको इतने साल बाद जो लाठी पड़ेगी उसका ये चार्ज है, 400 रुपए की लाठी है। फिर तो उसको ये भी बता दीजिए कि एक लाठी का चार्ज कितना है, क्योंकि कोई 5 खा के बैठा है, कोई 6 खा कर बैठा है, कोई 7, कोई 8, कोई 9, तो किसी को समझ में नहीं आ रहा है कि 400 रुपए की अगर लाठी है तो कितनी लाठी पड़ेगी, तो एक रेट बता दीजिए इसका भी। मतलब छात्र दिन रात पहले पढ़ाई करें फिर सालों बाद सड़क पर उतर कर लड़ाई करें, ये तो सबसे बड़ा स्कैम है, सबसे बड़ा घोटाला है। और सच सच बताऊं तो SSC के पास कैलेंडर ही नहीं है। मतलब SSC को पता ही नहीं है कि कब क्या करवाना है, तारीख जैसी कोई चीज होती है इन्हें नहीं मालूम। हर चीज में पारदर्शिता रखिए ना, जो पेपर बना रहा है उसे तो पता होगा कि इसके जवाब क्या हैं। आप एक दो हफ्ते बाद उसका आंसर की को अपलोड करवा दीजिए, डिजिटल इंडिया है भाई, आप अपलोड करा दीजिए, फिर आप कुछ समय बाद रिजल्ट अपलोड करा दीजिए, लड़के लड़कियां खुद ही देख लेंगे कि वो पास हुए हैं या नहीं हुए। देखिए कितना क्लियर रखे गए इसको, कितनी जल्दी और कितना क्लियर। और अगर पास नहीं हुए वो छात्र जो देख रहे हैं तो कहां रह गए ये भी देख लेंगे, लेकिन नहीं, परीक्षा होती है किसी साल, रिजल्ट आता है किसी साल और सब कुछ धड़ाम। इससे बड़ा घोटाला आप बताइए भला और कोई हो पाएगा? क्या पता इससे बड़ा घोटाला और कोई हो सकता है? नहीं, पता लग रहा है कि वो इसी में पास हो गया हो लेकिन फिर भी वो अगले वाले के लिए फॉर्म भर रहा है। डिजिटल इंडिया ये नहीं है कि मोदी जी ने एक PM Care बना दिया और फिर कह रहे हैं दो पैसा और फिर भूल जाओ कहां गया पैसा। अरे भैया, डिजिटल इंडिया का फायदा तो ये होना चाहिए कि और ज्यादा ट्रांसपेरेंसी आए और ज्यादा पारदर्शिता आ सके,
परीक्षा हुई, रिजल्ट आया, कहाँ पास कहाँ फेल, सब कुछ दूध का दूध पानी का पानी। कितना सिंपल, कितना क्लियर और कितना साफ स्वच्छ है। देखिए, जब 2014 के बाद 2019 में चुनाव होना तय है, जब हम सबको पता है कि अगले साल 2022 में उत्तर प्रदेश में चुनाव होने हैं, इस बार 2021 में बंगाल में चुनाव होने हैं, तो इन छात्रों को क्यों नहीं पता कि रिजल्ट कब आएगा? इन छात्रों को क्यों नहीं पता कि नियुक्ति कब होगी? और जो छात्र पास होकर, हर मानक में पास होकर, फिट होकर, 2018 जीडी वालों की बात करता हूं, एसएससी जीडी वालों की, हर मानक में पास, मेडिकली फिट, फिजिकली फिट, वैसे जो एग्जाम होता है रिटन वाला, उसमें हर चीज में पास, लेकिन नियुक्ति नहीं है। वो लोग सोच रहे थे, मैं उनको बताता हूं, मैं उनसे मिला, आपको आगे दिखाऊंगा कि क्या कुछ बातें हुई। मैं उनसे जब मिला तो वो लोग पता है क्या सपने संजोए थे, वो लोग ये सपने संजोए थे कि शरीर पर वर्दी होगी, उनकी एक ड्यूटी होगी, ज्वाइनिंग होगी। आज उनके शरीर पर एक टी शर्ट थी जो पसीने से भीगी हुई थी और सड़क पर खड़े थे। शाम को यह भी नहीं पता था कि शाम को दाल चावल खाएंगे या लाठी खाएंगे, समझे आप? तो पूरा उलझा कर रख दिया, छात्रों को पागल कर दिया है, बेरोजगारी का पट्टा थमा दिया है और मैनिफेस्टो में जोड़ देते हैं। मैनिफेस्टो में देखिए कैसी कैसी बातें लिखेंगे, इतने करोड़ नौकरियां, इतने करोड़ नौकरियां देंगे। अरे साहब छोड़ो, जो हर मानक में पास हैं पहले उन्हें ही नौकरी दे दो। मतलब सरकार ने तो युवाओं को अपनी प्रयोगशाला समझ लिया है, लेबोरेटरी समझते हैं ना, वही समझ लिया है सरकार ने इन युवाओं को। टीयर टू एग्जाम, वन एग्जाम, अब रिजल्ट, तब नियुक्ति, अब नियुक्ति। अरे साहब, इस देश में सरकारी नौकरी एक सपना है जो हर गरीब, हर मिडिल क्लास देखता है। पता है इस देश में शादी होने में जाति धर्म से भी ऊपर होता है सरकारी नौकरी का आरक्षण, मतलब शादियों में भी सरकारी नौकरी का आरक्षण होता है। अगर सरकारी नौकरी है तो शादी पक्की। इस देश को इस मानसिकता का बना दिया गया है, या फिर ये देश इस मानसिकता का है, ये देश है। बेरोजगारी तो देश में कोई मुद्दा ही नहीं है, मतलब हद है, कोई बात ही नहीं कर रहा। और सबसे बड़ी बात तो मैं इन लोगों की करूंगा जो हर मुद्दे पर ज्ञान बखेर देते हैं, हर मुद्दे पर कीवर्ड तोड़ देने वाली कंगना को भी ये कोई बड़ा मुद्दा नहीं लगता, दिखाई नहीं देता कि बेरोजगार सड़क पर है। अक्षय कुमार को यह जानना जरूरी है कि हमारे प्रधानमंत्री आम कैसे खाते हैं, यह जानना जरूरी नहीं है कि बेरोजगार सड़क पर सड़ रहा है। उदाहरण के तौर पर भी समझाता चलता, देखिए 2019 में आया था रेलवे की परीक्षा, रेलवे की परीक्षाओं के फॉर्म आए थे, उसके बाद परीक्षा हुई थी 2019 में। ये 2024 से पहले फाइनल नहीं होंगी, सबको पता है। देखिए कितना नॉर्मलाइज है चीज कि 2019 में जो एग्जाम हुआ है वो हमको पता है कि 2024 से पहले फाइनल नहीं होगा, इतना नॉर्मल कर दिया है। इसके लिए सरकार के पास तर्क भी कि लोग बहुत ज्यादा है। अरे भाई सरकार, जो लड़का 2019 में परीक्षा में बैठा है और आप उसका निपटारा 2024 में कर रहे हैं, तो ऐसे में देखिए ना, 2019 से 2024 के बीच जितनी परीक्षाएं पड़ेंगी वो हर परीक्षा में बैठेगा, तो संख्या तो ऑटोमेटिक बढ़ती जा रही है। अगर आप उसका निपटारा 2019 से मान लीजिए 2020 तक ही कर देते तो वो क्यों हर बार फॉर्म भरता, हर बार क्यों परीक्षा में बैठता, नहीं बैठता? तो ये कोई तर्क मान्य नहीं। और वैकेंसी गिरने का सिलसिला भी दिखाता हूं। 2014 में एसएससी का डाटा है कि 2014 में 15,554 वैकेंसी थी जो कि 2019 में आकर 8,582 रह गई। आईबीपीएस को देखिए, बैंकिंग वाला, 32,270 वैकेंसी थी जो अब पता है कितनी रह गई, 12,918। अब बताइए युवा क्यों ही पढ़ाई करे, शिक्षित होकर कौन सा पहाड़ तोड़ देगा? अगर युवा को पता है कि पढ़ लिख कर बेरोजगार बनना है तो वो क्यों पढ़ाई करे? बेरोजगार तो यूं भी बन जाते ना, बेरोजगार के लिए तो मुझे नहीं लगता कि कोई सर्टिफिकेट देना पड़ता होगा या किसी यूनिवर्सिटी से सर्टिफिकेट लेना पड़ता होगा। वो अलग बात है कि प्रधानमंत्री मोदी कह देते हैं कि पकौड़ा तलने वाला भी रोजगार, अब पढ़ लिख कर पकौड़ा तलेगा तो वो रोजगार नहीं समझ पाता, उसे घर पे क्या बताएगा कि माँ ठीक है मुझे नौकरी मिल गई, कहाँ नौकरी मिल गई, पकौड़े तलने की जो ठेला है उस पर नौकरी मिल गई, ये तो नहीं बताएगा ना। देखिए जब एक पढ़ा लिखा लड़का अपने अनपढ़ बाप से अपना खर्च चलाने के लिए पैसे मांगता है तो उसको कैसा लगता होगा, या आप नहीं समझ सकते और ये सिस्टम को भी समझ नहीं आता। इस रिपोर्ट से देखिए, भरी धूप बढ़ती गर्मी के बीच दिल्ली और गाजियाबाद को जोड़ने वाले गाजीपुर बॉर्डर पर बना वो हाईवे जो जब शुरू हुआ था तो लगा था कि गाड़ियों की रफ्तार रास्ते छोटे कर देगी, मंजिलें पास कर देगी और लोगों को राहत की सांस
चैन और घर जल्दी पहुंचने का सुकून तोहफे में देगी। लेकिन किस्मत की बानगी तो देखिए, इस हाईवे के उस हिस्से ने गाड़ियों की आवाजाही ज्यादा दिन तो ना देखी, लेकिन प्रदर्शनकारियों का सहारा बन गया। आंदोलित किसान यहां आकर बैठे तो सारे रूट डाइवर्ट कर इस जगह को एक विशेष जगह बना दिया गया, जिसने गाजीपुर बॉर्डर को एक नई पहचान दी। महीने दर महीने बीतने के बाद आज गाजीपुर बॉर्डर को जंतर मंतर कह दें तो जरा भी ताज्जुब मत समझिएगा, क्योंकि सरकार के मत से नाखुश आवाजें अब यहां भी सुनाई देने लगी हैं। आज के प्रोग्राम में गाजीपुर बॉर्डर, जो अब खुद में एक कस्बा एक शहर मालूम सा पड़ता है, वहां किसानों के बीच एक और वर्ग ने अपनी आवाज उठाने की ठानी है और आवाज की टीम ने उनकी आवाज को सरकार तक पहुंचाने की ठान ली है। इसी कड़ी में आज हम गाजीपुर बॉर्डर पर पहुंचे, जहां हमने महीने भर से भी ज्यादा समय से बैठे बेरोजगारों से बात की, उनकी परेशानियों को महसूस करने की कोशिश की। 50 लाख जो बच्चे फॉर्म भी भराया, 200 रुपया करके होता है तो कितना होता है? सब तो सरकार का घोटाला होता है ना। कैसे हैं आप सब लोग? कैसे? अब तक ठीक ही है, इधर जगह मिल गया है रहने का खाने का। सबसे पहले अपने नाम बताइएगा और कहाँ कहाँ से, जल्दी जल्दी। मैं दिलीप कुमार सर, सुपौल डिस्ट्रिक्ट बिहार से हूँ। मैं वेस्ट बंगाल से प्रीतिश कुमार बर्मन। मैं वेस्ट बंगाल के खुजुआ डिस्ट्रिक्ट से हूँ। मेरा नाम रामकृष्ण बर्मन। मैं वेस्ट बंगाल नदिया डिस्ट्रिक्ट से हूँ। मेरा नाम इंद्रजीत शाह। मैं दीनानाथ पासवान बिहार से। मतलब पूरा जो भारत है वो यहाँ पर बैठा हुआ है। भारत के मानचित्र में जितने राज्य दिखते होंगे उतने ही लोग यहाँ पर नजर आते हैं। ये बताइए, 2018 में परीक्षा होती है, 2021 में रिजल्ट आता है, और फिर उसके बाद रिजल्ट आने के बाद आपके जहाँ शरीर पर वर्दी होनी चाहिए थी, उस शरीर पर वर्दी तो नहीं है, लेकिन गर्मी की तपिश और तपन नजर आ रही है। उतना ही नहीं सर, हम लोगों पे जहाँ पे मतलब सरकार का जो पैरामिलिट्री फोर्सेस की योग्यता होती सर, उनको क्वालिफाई करके हम लोगों का आशा और हम लोगों के परिवार का जो आशा थी कि बेटा हमारा जो है देश सेवा में जाएंगे, फौजी में जाएंगे और देश का सेवा करेंगे, उससे क्या होगी हमारी भी जो इतनी परेशानियां हैं, जितना हमारे गार्जियन ने मतलब परेशानियां उठा करके हम लोगों को पढ़ाने में जो भी खर्च कष्ट किए हैं, वो उनका वो सपना था कि हमारे कष्ट अब दूर हो जाएंगे। सपना टूटता हुआ सा नज़र आ रहा है, दुख होता है? जी बहुत सर दुख होता है, क्योंकि हम लोग जो है देश सेवा करने का एक सपना सजाए थे, और SSC GD का 2018 में जब हम लोगों ने फॉर्म भरे थे तो एक आशा की किरण जगी थी, और जब उसका रिटर्न पास करते थे फिर और विश्वास हो गया। फिर मेडिकल फिजिकल जिनका जो भी मतलब एक पैरामिलिट्री फोर्सेस की योग्यता क्राइटेरिया होती है उसको हम लोगों ने फुल फिलअप करके हम लोगों ने ये मतलब समझ लिया कि हम लोग को अब जो है मतलब बुरे वक्त जो हम लोग का ख़त्म हो चुका है, अब अच्छे वक्त आने वाला है। ये बताइए, आप वेस्ट बंगाल से, पूरे देश की निगाहें भी वेस्ट बंगाल पर है, चुनाव हो रहे हैं, कौन मुख्यमंत्री बनेगा कौन नहीं बनेगा, हर कोई इस बात पर सवाल कर रहा है, जवाब कर रहा है, आप यहाँ बैठे हुए हैं, कैसा आपको फर्क नहीं पड़ता कौन मुख्यमंत्री बन रहा है, क्योंकि आप तो सड़क पर ही आ गए? देखिए, राजनीति से हम लोग का तो कोई मतलब नहीं है, लेकिन हम लोग स्टूडेंट है, हम लोग का यही है सब कुछ, हम लोग पास करके आज दिल्ली में सड़कों पर इधर उधर भटक रहे हैं हम लोग, लेकिन सरकार ने कुछ सुनवाई नहीं कर रहे, क्योंकि ये फौज बनने के लिए जो जो हम लोग का योग्यता होना चाहिए हम लोग सब हम लोग के अंदर है, और जो जो मैंने एग्ज़ाम था इसमें रिटर्न एग्ज़ाम, फिजिकल एग्ज़ाम और मेडिकल, लास्ट जो पैरामीटर होता है मेडिकल एग्ज़ाम, उसमें हम लोग सब कुछ पास कर चुके हैं, उसके बाद भी हम लोग को ज्वाइनिंग नहीं मिल रहा है। ठीक है, ज्वाइनिंग नहीं मिलेगी फिर क्या करेंगे? फिर हम लोग आगे जो प्रोसेस होगा वही करेंगे। रणनीति ये देखिए, आप मैंने इतना दिन से हम लोग का जो प्रोटेस्ट चल रहा था वो लीगली अनलॉफुल प्रोटेस्ट किया है, जितना दिन से हम लोग इधर प्रोटेस्ट किया है लीगली अनलॉफुल प्रोटेस्ट किया है, जंतर मंतर भी प्रोटेस्ट किया है। चलिए ठीक है, आपको भर्ती देती ही नहीं सरकार, किस एक्सट्रीम लेवल पर जाने की सोच सकते हैं आप? लास्ट जो मैंने CAPF का जो वैकेंसी होता है ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर में आते हैं, तो हम लोग सोचे कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के उधर ही हम लोग धरना में बैठेंगे। धरने पर बैठने से क्या मिलेगा? धरने पर तो यहाँ देखिए किसान कब से धरने पर बैठा है, उसके अलावा तो हम लोग का दूसरा ऑप्शन नहीं है। लास्ट हम लोग यही सोचा है, भूख हड़ताल करेंगे। जरूर। कितने दिन रह पाएंगे बिना भूख? देखते हैं कितने दिन हम लोग के, जब तक हम लोग के अंदर जान है उतने तक तो करेंगे हम। देखिए बाहर सड़कों पर भी मैं आपके बारे में जब पूछवाता हूँ अपनी टीम से तो लोग ये कहते हैं कि ऐसे तो पता नहीं कितने लोग धरनों पर बैठे हुए हैं, सरकार तक बात ही नहीं पहुँचती। तो ऐसे में अगर सरकार तक बात पहुँचती ही नहीं है, कोई बात निकल कर सामने आती ही नहीं है, तो फिर क्या है? सरकार तक सर बात पहुँचती है,
लेकिन सरकार इस बातों को अनसुनी कर रही है। वही मैं कह रहा हूँ, पहुँचती भी है अनसुनी कर देती है, तो उस चीज़ का कोई फायदा तो होता नहीं ना। ऐसे में अगर कोई बात बनती ही नहीं है फिर क्या करेंगे सर? हम लोग तो डेढ़ महीना सर हम लोग घर छोड़ करके आए और यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं, और सर बिना रिजल्ट लिए हम लोग घर भी गए, तो हम लोग पे घर क्या पूरे मतलब समाज भी हम लोग पे धुता देंगे। देखिए पहले के समय में क्या होता था कि जब इंसान की बात नहीं सुनी जाती थी तो भीड़ों में बागी बन जाते थे, तो ऐसे में आपकी क्या प्रतिक्रिया है? इसी प्रकार से सर हम लोग के साथ जो है सिचुएशन क्रिएट हो रही है, और लास्ट अंततः सर हम लोग उसी सिचुएशन में ढलना पड़ेगा जिस सिचुएशन में हम लोग ढलना नहीं चाहते हैं, और हम लोग सर सरकार के अगेंस्ट भी नहीं जाना चाहते हैं, लेकिन सरकार इतना मजबूर कर दी। इतना अगेंस्ट नहीं जाएंगे तो घर चले जाएंगे? घर बिल्कुल नहीं जाएंगे सर, अगेंस्ट भी जाना पड़े मतलब हर हालात से गुजरने के लिए सर हम लोग तैयार है, लेकिन घर कैसे जाएंगे सर? ऐसे डेढ़ महीना सर जाने का होता तो हम लोग चले नहीं जाते। कई बार हम लोग को लाठीचार्ज किया गया, पुलिस मतलब पकड़ के जेल ले गई। सिस्टम से हारा हुआ आदमी, मैंने कैसा बताया आपको, मैंने उदाहरण के तौर पर बनाया, जब सिस्टम से आदमी हार जाता है तो बागी बन जाता था पहले, तो उस लिहाज में उस स्थिति में आपसे पूछ रहा हूँ। आपको तो बोले सर हम लोग के साथ भी उसी प्रकार सिचुएशन क्रिएट हो रही है, अंततः हम लोगों को भी लगता है वही रास्ता लास्ट में जो है चूज करना पड़ेगा, क्योंकि अगर सब जगह हम लोगों के पास जैसे मंत्री मिनिस्टर जितना भी है सभी का दरवाज़ा बंद हो चुका है सर, कोई हम लोग की बात सुनने के लिए राजी नहीं हो रही है, तो सर हम लोग करें क्या? मौत भी मांगते हैं, जो भारत के हमारे प्रथम राष्ट्रपति होती प्रथम व्यक्ति होता है उनसे सर मौत भी मांगते, वो भी सर कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रही है, तो सर अब लोग हम लोगों के पास रास्ता तो कोई है ही नहीं, उसके अलावा सर करें क्या? अभी आप में से कोई व्यक्ति कह रहा था कि अगर बात नहीं बनती तो हम आत्मदाह की भी कोशिश करेंगे, ऐसी भी बात कही जी, जी, कही जी। तो ये बताइए ऐसा विचार, इतना एक्सट्रीम विचार कैसे मन में आ जाता है? सर हम लोग की बात तो अब कोई मतलब आत्मदाह से भी सर हम लोग उससे भी ज़्यादा जुल्म ढाया जा रहा है सर, इतनी कपकपाती सर धूप में, और हम लोग जो है मेहनत की अपने हक मांग रहे हैं, और हमारी बातों को सुनने की वजह हम लोग बेकसूर का लाठीचार्ज किया जा रहा है, और हम लोग कुत्तों भेड़ियों की तरह हम लोग खदेड़ा जा रहा है, तो सर ये तो मौत जिंदगी से भी बदतर सर है। सरकार जानते हैं कितनी जालिम होती है, सरकार तो गोली भी चलवा देती है। सर गोली चलवा देंगे ना हम लोग, अगर मर गए तो ठीक है सर, अगर बच गए तो फिर सर बदला तो उन्हीं से लेना पड़ेगा। आप मर गए बदला कौन लेगा? मर गए तब तो सर कोई बात नहीं है, और उसमें से सर सबको तो नहीं मार देंगे ना, और जो बच गया तो फिर सर आप समझ सकते हो वो कौन सा रास्ता चूज करेगा। जब परीक्षा दी थी तब सोचा था कि ज्वाइनिंग नहीं मिल पाएगी और आगे चलकर इस टेंट नुमा जगह पर ऐसे जमीन पर बैठना पड़ेगा जहां से हर तरफ से धूप की जो गर्मी है वो अंदर दस्तक दे रही हो? नहीं ऐसा बिल्कुल नहीं, पहले तो सोचा था कि परीक्षा में अगर पास हो गए हम फिट हो गए तो हमको रिटेन में अगर फिट हो गए फिजिकल में फिट हो गए मेडिकल में अगर आखिरी है मेडिकल में अगर फिट हो गए तो ज्वाइन निश्चित है। आप पूछ सकते हैं जितना भी पैरामिलिट्री में फोर्स है उनको जाके पूछ सकते हैं उनका जो प्रोसेस है पैरामिलिट्री में वो क्या क्या होता है, उसके बाद उसको ज्वाइनिंग मिलती है। लेकिन आप ये उल्टा हो रहा है, आप हम जब सब कुछ में फिट है तो हमको वर्दी के वजह से लाठी मिल रहा है, वर्दी की जगह लाठी मिल रही है। आप दर्जन भर लोग हैं, आप दर्जन भर लोग कैसे समझ सकते हैं कि सत्ता के आप जो कुर्सी है उसको हिलाने की दम रखते हैं, कैसे हिला पाएंगे? सर हम दर्जन भर लोगों नहीं है सर, हजारों की संख्या हम लोग हैं, तो अभी जो है ना सर, और हम लड़ाई सिर्फ हम लोगों की नहीं, जितना भी 55,000 युवा जो मेडिकल फिट है उन सबों की लड़ाई है सर, और वो सभी जो है धीरे धीरे हम लोगों को देख करके आ रहे हैं। बहुत बढ़िया बात इन्होंने एक बात कही, उस बात को सुनते ही मुझे एक बात याद आ गई, जब किसान आंदोलन शुरू हो रहा था उस समय मैं यहीं आया था गाजीपुर बॉर्डर पर, तब करीबन 50 से 100 किसान यहाँ पर मौजूद थे। मैंने उन किसानों से बोला था कि आप 50-100 किसान हिम्मत रखते हैं कि सरकार की कुर्सी हिला सके, सरकार के कानों तक आपकी आवाज़ पहुँच सके, तब उन किसान भाइयों ने कहा था कि और भी किसान जो हैं वो आ रहे हैं, और उसके बाद जो यहाँ पर भीड़ थी, जो हुजूम था, लाखों किसान जो यहाँ पर हो गए थे वो हम सभी ने देखा। तो आज इस भाई ने मेरे जैसे कहा कि और भी लोग आ रहे हैं, तो ऐसा नहीं है, एक आंदोलन जो होता है एक छोटे से एरिया से शुरू होता है और वो किस तरीके से राज्य के कोने कोने तक फैल जाता है ये हर कोई समझता है। तो किस तरीके से आपका जो आंदोलन है वो व्यापक होता जा रहा है, क्योंकि बेरोजगारी पर बात ही नहीं होती, बेरोजगारी पर सबसे ज़्यादा बात होनी चाहिए। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि 2 करोड़ रोजगार देंगे, उसके बाद रोजगार तो आप छोड़ दीजिए, आप हर पैमाने पर जब फिट हो जाते हैं उसके बावजूद आपके साथ ये सुलूक हो रहा है, आपको यहाँ बैठना पड़ रहा है गर्मी में ज़मीन पर, आप बीच सड़क पर, ये आपको पता है हाईवे है जो दिल्ली और गाज़ियाबाद नोएडा इन सब चीज़ों को जोड़ता है, ये वो हाईवे है, इस हाईवे पे आप बीच सड़क पर बैठे हुए हैं, आपकी गलती क्या है? परीक्षा पास करना आपकी गलती है? कुछ भी गलती नहीं है, क्योंकि ये सरकार का गलती है, 3 साल से भर्ती बकरी चला, किसका गलती है? स्टूडेंट का तो गलती नहीं है इसमें, सरकार का गलती है। आपकी गलती है सर, सरकार का सदा पूरा गलती है सर, सरकार का ये गलती है। जब हम लोग एक सीट पर 2 लड़का फाइट कर रहे थे ऑल स्टेट में, हर एक ऐसा कोई भी स्टेट नहीं है जहाँ मतलब 12 से 15 नंबर नहीं बढ़ाया गया मेरिट,
ऐसा कहीं भी नहीं है सर। अगर मान लीजिए 15 लड़का अगर एक सीट पर लड़े तो ऐसा हो सकता था सर। अगर 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 सही तरीका से अगर 5 लड़का भी मतलब 5 नंबर भी अगर हटाया जाता तो मान लीजिए तो मतलब हम लोग सिलेक्टेड हो जाते सर। कभी अभी कभी आपने आप सुनिए आपने वर्दी पहनने का सपना देखा था? कभी आपने जेल देखी है? जेल देखी है? जेल देखो ऐसा होता है, हम जब जब कवर करते हैं तो कई दफ़ा हम पर भी हो जाती है मुकदमेबाजी हो जाती है, हमने जेल देखी। ऐसी बैरिकें होती हैं, ऐसी बैरिकें होती हैं, ऐसी आप लोग बैठे होते हैं, शाम को किस तरीके से खाना मिलेगा कुछ पता नहीं होता, एक एरिया निर्धारित होता है कि उसी एरिया के अंदर रहना होता है। तो आपको पता है अभी आप किस्मत के मारे लोग एक जेल में रह रहे हैं और आपकी सज़ा क्या है, आपका कसूर क्या है, आपको पता है? आपका कसूर ये है कि सरकार की जो गाइडलाइंस होती है, सरकार के जो स्टैंडर्ड होते हैं, जिस पैमाने पर आपको पास करके वर्दी मिलनी चाहिए थी, उस पैमाने को पास कर आपको जेल मिली है। आप इस वक्त जेल में हैं, इस बात को अपने दिमाग में डाल लीजिए, आप इस वक्त जेल में हैं। और जेल में क्यों है, किस्मत की गलती है या सरकार की गलती है? सरकार टीवी पर आकर, कल आए थे योगी जी और भाषण में बोल के गए हैं कि सब कुछ बहुत बढ़िया है, सुनहरा है, उत्तर प्रदेश पूरा भारत जो है अब भाजपा के राज में स्वर्णिम विकास कर रहा है, वो ये बात बोल रहे थे। लेकिन मैं उन लोगों को ये चीज दिखाना चाहूंगा कि यहां पर युवा जो है जिनके बदन पर वर्दी होनी चाहिए थी वो आज जेल में है। इसको मैं जेल ही बोलूंगा, बैरिक कपड़े और जिस तरीके से एक एरिया निर्धारित है कि इसी में रहना है, इसी से बाहर नहीं जाना, इसी में खाना खाना है, इसी के बीच रहना है। और कल आज शाम को इनको खाना मिलेगा या आज शाम को इनको पुलिस कभी भी आकर लाठी मारेगी? आपको कुछ पता है, कुछ जानकारी है इस चीज की, कुछ इल्म है इस बात का? कभी भी आते तो वो अटैक कर सकते सर हम लोग को, कभी भी वो हमसे अटैक हो सकते हैं सर, कभी भी, कुछ भी, कुछ भी जिंदगी का तो सर कुछ भी पता नहीं सर, कब मरेंगे कब जिएंगे। सबसे दुख की बात, सबसे दुख की बात यह है कि इन्हीं के बीच के हमारी एक बहन जो पीछे बैरिकों में है, जिनसे भी हम आपको बात करवाएंगे अभी, उस बहन की रात में तबीयत खराब हो जाती है। उस बहन को रात में, यहाँ पर जो किसान भाई मौजूद है बाकी ये सब लोग मिलकर एक साथ उस बहन को अस्पताल ले जाते हैं। उस बहन की हालत किस तरीके की है, उस बहन की क्या हालत में सुधार हुआ है, ये वही सरकार है जो नहीं पूछना चाहती, जो बात करती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की, जो बात करती है नारी शक्ति की, ये वही सरकार है। लेकिन ये सरकार के एजेंडे में बेटियाँ होती हैं, के मैनिफेस्टो में बेटियाँ होती हैं, के भाषणों में बेटियाँ होती हैं, कि स्पीचेस में बेटियाँ होती हैं, कि मन की बात में बेटियाँ होती हैं, लेकिन उनके एजेंडे में बेटियां बिल्कुल नहीं होती। सच्चाई आप यहां देखिए, सच्चाई यहां देखने को मिलेगी। इन सबके चेहरों को आप एक बार देख लीजिए, इन सबके चेहरों को देखिए, ये उतरे हुए चेहरे इनकी गलती नहीं है, ये उतरे हुए चेहरे सिस्टम सरकार जो मर चुकी है, जिसकी आत्मा जो है वो खत्म हो चुकी है, उनकी गलती है, लेकिन इनकी कोई सुनना नहीं चाहता। आप एक बात बताइए, मेरी टीम रोजाना अगर आपसे बात करती है, रोजाना आपसे मिलती है, आपका हालचाल लेती है, आपसे पूछती है कि क्या कुछ चल रहा है, आगे क्या कुछ बातें पहुंची हैं, लेकिन आप ये बताइए, हमारी टीम आपसे बात करती है, सब कुछ करती है, बाकी तमाम लोग भी आकर आपसे बात करते हैं, सरकार क्यों नहीं आके बात करती आपसे? सर आपकी टीम की मैं बहुत बहुत सर धन्यवाद देना चाहूँगा कि आप मतलब शुरू से हम लोग के साथ हैं और सर आप पूरा कोशिश कर रहे हैं कि हम लोग की बातों को ऊपर तक पहुँचाने की, मतलब सरकार तक पहुँचाने की, लेकिन सरकार इस बात को जानती है और सरकार सुन करके अनसुनी कर रही है। सर जहाँ तक आप अभी एक बेटी की बात बोले तो वो बेटी भी उसी जगह की बंगाल की है जहाँ पर आज सरकार अपने वोट बटोरने के लिए बहुत लंबे लंबे भाषण छोड़ती है। आपने बहुत बढ़िया बात कही कि वो बेटी बंगाल की। इस चीज़ से मुझे एक बात याद आई कि ममता बनर्जी जब कहती हैं कि सोनार बांग्ला, अरे सोनार बांग्ला कैसा सोनार बांग्ला, यहाँ एक बेटी की रात में तबीयत खराब हो चुकी है, कैसे कह सकती हैं आप सोनार बांग्ला, कैसे कह सकती हैं आप सोनार बांग्ला, आपके मुंह से निकल कैसे सकता है ममता बनर्जी जी, दीदी आपके मुंह से निकल कैसे सकता है कि सोनार बांग्ला, जब एक बेटी आपकी यहाँ पर जिसकी रात में तबीयत खराब हो जाती है, सुबह उसकी क्या सांसें चल रही हैं, क्या है उसकी, क्या तबीयत है, क्या हालात है, आपको कुछ नहीं पता। राजस्थान की बात कर लें, यहाँ पर वेस्ट बंगाल की बात कर लें, राजस्थान की बात कर लें, बिहार की बात कर लें, तमाम मुख्यमंत्रियों को केवल चुनाव कब होने हैं, किस तरीके से चुनाव करवाने हैं, किस तरीके से जीतना है, किस तरीके से हॉर्स ट्रेडिंग करनी है, किस तरीके से विधायकों को खरीद फरोख्त करनी है, इस चीज़ के बारे में पूरी जानकारी है, लेकिन ये लोग जो यहाँ बैठे हुए हैं इनके बारे में कोई जानकारी नहीं है। और भी लोगों से यहाँ पर बात करना चाहूँगा, आप कहाँ से हैं भाई? सर हम महाराष्ट्र से हैं। महाराष्ट्र से हैं, उद्धव सरकार की सरकार है वहाँ पर, उद्धव ठाकरे जी की। उद्धव ठाकरे जी तो कहते हैं कि यहाँ पर एक एक बच्चा जो है मेरी नज़र में है और यहाँ पर किसी के साथ अन्याय नहीं होने देगा, इतना बड़ा अन्याय तो यहाँ सामने बैठा है मेरे। हाँ सर, सब कहने की बातें है सर, कोई भी हम बच्चों की तरह ध्यान नहीं देता, सब वोट बटोरने के लिए सिर्फ आश्वासन देते हैं सर। आश्वासन देते हैं, तो क्या लगता है यहाँ पर, ये जो आपके और भी राज्यों से जो भाई आए हुए हैं, क्या लगता है कि क्या स्थितियाँ सुधरती हुई नजर आ रही हैं आपको? हाँ सर, स्थितियाँ तो सर, क्योंकि सर हम एक एक करके अब मुट्ठी बन रहे हैं सर और हमको पूरा विश्वास है सरकार हमारे सामने बिल्कुल झुकेगी। बिल्कुल झुकेगी, आपको लगता है बिल्कुल झुकेगी? सर झुकेगी, झुकना पड़ेगा।
सरकार को झुकना पड़ेगा, हम लोग झुकाएंगे, हम ही लोग सरकार को ऊपर बैठाए सीट में, कुर्सी में बैठाए, हम लोग ही गिराएंगे। सरकार इतनी चतुर चालाक निकम्मी साजिश वाली है कि वो आपको कहीं का नहीं छोड़ेगी। हाँ वो तो हम लोग तो उसको उनको भी नहीं छोड़ेंगे, उनको भी वहाँ से खींच के लाएंगे। सिस्टम की तपिश जब पड़ती है आदमी बागी बनने पे मजबूर हो जाता है। बंगाल को टारगेट करके रखा है, किसी भी हालत में बंगाल को जीतना है उसको बंगाल में, लेकिन बंगाल के जनता जान चुका है ये सरकार चोरों का सरकार है। सर सरकार जो है आप बोले कि वो किसी भी हाल में हम लोग को मतलब जो है कुछ कर सकता है, लेकिन हम ये आपको सर बताना चाहेंगे, आज सिर्फ हम लोग SSC GD के कैंडिडेट है। इस प्रकार से सर SSC के जितना भी मतलब CGL होता है, ग्रुप डी का होता है, जितना भी मतलब जो वैकेंसी निकालती है सब के साथ सर इसी प्रकार से धांधली होती है। तो सर आगे ये हम लोग का जो है आंदोलन सर एक बेरोजगार युवा का, भारतवर्ष में सर जितना भी बेरोजगार युवा है सभी का आंदोलन बनने जा रहा है और एक विशाल रूप ले लेगा जब सरकार को पता चलेगा कि युवा का आंदोलन क्या होता है, युवा क्या कर सकती है। ये जो बेरोजगारों का आंदोलन है, भाई के कहने का जो मतलब है वो आपको समझा देता हूँ। ये जो बेरोजगारों का जो आंदोलन है ये इतना विशालकाय हो जाएगा कि लुटियंस दिल्ली में बैठे जो बड़े बड़े प्रधानमंत्री और जो बकायदा और भी मंत्री हैं, मंत्रिमंडलों की जब बैठकें करते हैं तो उस मंत्रिमंडल की बैठक में अर्थक्वेक आ जाएगा। इसके साथ ही मैं आपको अब एक बहुत अच्छी बात बताने जा रहा हूँ। देखिए जब गाजीपुर बॉर्डर पर जब आंदोलन की शुरुआत हुई थी तब हम लोगों ने एक बात कही थी कि आंदोलन जिस तरीके से बढ़ रहा है, यहाँ पर एक सिटी सी डेवलप हो रही है, अपने आप में एक शहर सा बनता जा रहा है, यहाँ पर टेंट हैं, यहाँ पर TV हैं, यहाँ पर बकायदा बहुत सारी चीज़ें, यहाँ पर सड़कें जो हैं वो एक तरीके से लोगों के सर्विस रोड में तब्दील हो चुकी हैं। लेकिन आज मैं ये बात यहाँ पर खड़े होकर कह सकता हूँ कि ये जंतर मंतर की शक्ल ले चुका है, आज की डेट में ये जंतर मंतर बन चुका है। तो मैं आपको ये बता दूँ, देखिए एम्बुलेंस भी मेरे पीछे से जा रही है, अब आपको बता देता हूँ कि यहाँ पर जंतर मंतर जैसी शक्ल हो गई है। बड़े सारे आंदोलन जो हैं वो धीरे धीरे बढ़ते जा रहे हैं। अब जो एम्बुलेंस आई है उसमें वो हमारी बेटी वापस आ चुकी है, उनसे चलकर बात करते हैं कि क्या कुछ हुआ और उनकी तबीयत अब कैसी है, उनसे हालचाल लेते हैं। एम्बुलेंस भी मेरे पीछे से जा रही है। इन सब से बात करने के बाद जाती एम्बुलेंस ने इशारा किया कि वो बेटी भी वापस आ गई है, कि जो रात प्रदर्शन के बीच सेहत से हार गई थी। उसके हाथ में चढ़ी सैलीन बता रही है कि वो किस कदर मजबूर है। बंगाल की बेटी यहाँ रो रही है, काश ये सब ममता दीदी भी देख पाती और समझ पाती कि खेला मैला हो गए और सोनार बांगला जंग लगा लोहा हो गए। मैंने जो इनकी तबीयत खराब हुई कब हुई थी, कैसे क्या कुछ हुआ, सलाइन लगी क्या है? सर कल हम उस टेंट में रहते हैं जहाँ बहुत सारी धूप आती है और बहुत गर्म करता है अंदर, तो इसकी तबीयत वहाँ पे खराब हो गई, बहुत आंग मतलब तप रहा था और उसको सलाइन लगी, डॉक्टर ने बोला बहुत वीक हो गई है, तो यहाँ पर रुक के पहले से वीक थी वो तो और ज़्यादा वीक हो गई, यहाँ पर धूप लगती है बहुत ज़्यादा तो इसको सलाइन लगानी पड़ी है। तो अभी घर पे बात हुई इनके, घर पे बताया आपने? घर पे नहीं बताया सर, क्योंकि घर पे बताया तो प्रॉब्लम हो जाती ना कि मतलब प्रेशर आता ऊपर से कि आ जाओ ऐसा वैसा। अच्छा तो अभी क्या बताया डॉक्टर ने, कितनी तबीयत ठीक है अभी? अभी ठीक है लेकिन उसको सलाइन और भी लगेंगी। ये कौन देखभाल कर रहा है, किसी ने हालचाल पूछा अभी? हाँ यहाँ के लोग पूछते, किसान लोग की कोई प्रॉब्लम तो है नहीं ऐसे वगैरह, सब हालचाल पूछते, मेडिसिन भी मिलता है पर डॉक्टर की व्यवस्था सब कुछ है। ये जो तस्वीर अभी आपने देखी ये GDP के आंकड़े जब बताए जाते हैं तो GDP के आंकड़ों में जिस तरीके से फेरा बदली करके, जिस तरीके से सुंदर सुंदर कलरफुल ग्रीन येल्लो रेड वाइट करके जो तारे दिखाई जाती हैं ऊपर बढ़ती हुई, वो देश का सच नहीं है। देश का सच दरअसल ये है कि एक ट्रॉली के नीचे एक बेटी है जो वहां पर पड़ी हुई है, जिसके सलीन लगी हुई है और पूरी सरकार वेस्ट बंगाल में है। अरे ममता बनर्जी, अरे दीदी सोनार बांग्ला करती हैं, अब आपकी एक बहन, आपकी एक बेटी, आपकी एक बच्ची यहां पर पड़ी हुई है, छी है ऐसी सरकार पर जिसको इतना भी ना मालूम हो कि उसकी एक बच्ची यहां पर है। और देश के हर एक नागरिक की जिम्मेदारी जो है वो सरकार की होती है कि वो किस तरह से जी रहा है, राइट टू लाइफ ये भी एक मौलिक अधिकार है, लेकिन यहाँ पर जब एक बच्ची वो पड़ी हुई है, उसके सेलिन लगी हुई, बताने में शर्म आ रही, बताने में दुख महसूस होता है। और वहाँ पर ममता बनर्जी कहती है सुनार बांग्ला, वहाँ पर इसी जो प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ वो कहते हैं सब कुछ बहुत स्वर्णिम है, और दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं देश में सब कुछ अच्छा चल रहा है। लेकिन आज मैं ममता बनर्जी, ममता दीदी से एक बात कहना चाहूँगा कि मैं आपको चुनौती देता हूँ कि ये जो यहाँ पर जो बेटी है उसकी तकलीफ अगर आप नहीं समझ सकती तो आपको कुर्सी छोड़ देनी चाहिए। हजारों किलोमीटर दूर जो आप बेटी अगर लेटी हुई है, उसके सलीन लगी हुई है, तो आपको कुर्सी छोड़ देनी चाहिए।
और एक बात और जो आज मेरे जहन में आई, मैं कभी कहना नहीं चाहता था कि अगर एक बच्ची यहाँ पर पड़ी हुई है, उसके सलीन लगी हुई है और उसका हालचाल केवल यहाँ पर किसान नेता लेते हैं, सिर्फ किसान नेता पूछते हैं जो ना इस बच्ची को जानते हैं, ना नाम से जानते हैं, ना उसका राज्य जानते हैं, ना उसकी जाति जानते हैं, ना उसका धर्म जानते हैं, ना उसका पंथ जानते हैं, अगर वो पूछते हैं कि बेटा आपका क्या हाल है, क्या आपका क्या चाल, तो फिर आप एक काम करिए, इस देश में ये प्रधानमंत्री कुर्सी का सिस्टम खत्म कर दीजिए और यहाँ के किसान नेताओं को ही देश संभालने के लिए दे दीजिए, यहाँ के नागरिकों को संभालने के लिए दे दीजिए। और हाँ, आज का आवाज का प्रोग्राम सीधे सीधे प्रधानमंत्री जी के लिए है, क्योंकि हिंदुस्तान की सबसे बड़ी समस्या जिसको टाला जा रहा है, रोजगार के लिए आवाज उठाने वालों की आवाज को क्यों दबाया जा रहा है? मोदी जी बताइए आप, क्यों नौकरी मांगने पर उन्हें लाठी दी जा रही है? ये सब क्या हो रहा है? मोदी जी, बंगाल में परिवर्तन अहम मुद्दा हो सकता है। ममता दीदी, बंगाल में परिवर्तन खेला होवे, कैसे होवे, ये अहम मुद्दा हो सकता है, लेकिन एक रोती बेटी के आंखों में आंसू आप लोगों को क्यों नहीं दिखते? भारत के युवा को आज ये अधिकार क्यों नहीं है कि वो अपने सवाल पूछ पाए? क्लियर कर दूं, यहां मुद्दा कोई भी पार्टी से संबंधित नहीं है, किसी भी राजनीतिक पार्टी से नहीं है। पहले भी ऐसा ही हो रहा था, अभी भी ऐसा ही हो रहा है। देखिए, राजनीतिक पार्टियों के लिए जब वो विपक्ष में होते हैं तो हर चीज इनके लिए बुरी होती है, वहीं जब ये सत्ता में आते हैं तो हर चीज इन्हें मास्टर स्ट्रोक लगने लगती है। और डायरेक्ट डायरेक्ट बात करता हूं, क्योंकि बेरोजगारी जिस चरम सीमा पर पहुंच गई है कोई बात नहीं करता। देखिए, हमें मुद्दों को दबाना नहीं है, अगर आज इन मुद्दों को दबाया गया तो ये सुनामी बन जाएंगे और फिर यकीन करिए संभाले नहीं संभलेंगे। जब वैकेंसी होती नहीं है तो परीक्षाएं सरकार करवाती ही क्यों? दबाव में? अगर ऐसा है तो जरा सोचिए, रिक्शा चलाने वाले का बेटा दिन रात पढ़ाई करता है, आप उससे परीक्षा के नाम पर पैसा ले लेते हैं, जरा तो मानवता रखिए आप। उस गरीब का एक एक पैसा बड़ी मेहनत का है जो आपकी प्रयोगशाला में आकर दम तोड़ देता है। ये हो गई मेरी हमारे देश के प्रधानमंत्री से बात। अब बात युवाओं से, सीधे सीधे कड़वी लग सकती है। मेरे भाइयों, कभी भी रुकना नहीं है, दिमाग से ये बात निकाल दीजिए कि सरकारी नौकरी नहीं मिली तो क्या करेंगे। अगर आपका हक है तो जरूर लीजिए, अगर आपको लगता है आपका हक है तो जरूर लीजिए। नहीं तो एक बात याद रखिएगा कि जो भी काम कानून के खिलाफ नहीं है वो करिए, खुली छूट है, करिए, भरोसा रखिए आप दुनिया जीत लेंगे, बस मन सच्चा होना चाहिए। आंकड़े उठाकर देख लीजिए, दुनिया का सबसे अमीर जो व्यक्ति होगा, एक नंबर, दो नंबर, तीन नंबर, कोई भी सरकारी नौकरी वाला नहीं। तो आखिर में जाते जाते एक बात, सरकार के भरोसे मत बैठिए, क्या पता वो आपके भरोसे बैठे। धन्यवाद।